में शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने और नागरिकों को शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंध समितियां बनाई गई हैं, जो अध्यापकों की कमी से खाना पूर्ति हो रही है। यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति में अभी व्यवस्था में सभी मनोनीत सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष विद्यालय की दो अध्यापिका और एक छात्र छात्रा है और वार्ड के मनोनीत सदस्य इनकी बच्चों के अभिभावक सभी बच्चों के अभिभावकों की हम मीटिंग ले रहे थे बुलाते तो सभी को है और जिसमें प्रबंध समिति के सदस्य हैं उनका आना अनिवार्य होता है। जब मैंने हर व्यक्ति से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि हमें तो खाना पूर्ति के लिए बुलाया जाता है, उसमें साल भर में एक बार बुलाते हैं और साइन करवा के उनको भेज देते, जबकि उनको ये तक नहीं पता कि इस समिति के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए और किस चीज़ के साइन कर रहे हैं। हमारे सामने मीटिंग नहीं आई कभी। तो आप मेंबर कैसे बने वहाँ? हम स्कूल की सदस्य भी नहीं बना दिए, दस्तखत करके नहीं और अंत आ जा। कितने समय में जाते हो साइन करने के लिए? 10 बजे करीब में बुलाए। और कितने दिन पहले की गई हो आप? अब तो साल भर से होती है। जब आप वहाँ पे साइन करती हो तो आप ये नहीं पूछती कि हमसे साइन क्यों करवाई जा रहा है? नहीं नौ तो साइन करा जाओ, नौ को तुम्हारा तो काम ही हो ये, तुम सदस्य बना रखी है मैंने, तुम तो दस्तखत कर दो तुम्हारी बस। शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों में जो विद्यालय प्रबंध समितियां बनाई गई हैं उनका संचालन सही तरीके से होना चाहिए, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आ सके। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी का नंबर है 074-64-220-640। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।